आज बहुत ही एक जिसमें कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण दिवस है 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां ये जयंती का दिन है। और इस अवसर पर युवाओं को मैं यही कहूँगा कि पूरे उत्साह से और पूरे अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा उनके मन में जागनी चाहिए। और आज इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, और आज इसी प्रकार से मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ। और अभी ये सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है, और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात की गई। मैं बधाई देता हूँ वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। विपक्ष के सामने एक ही टारगेट होता था कि वो वंशवादी राजनीति वो करते थे, उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, ये नहीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं, वो एक ही मार्ग पर चलते रहे। लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है यही उचित है।